आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, मैं हूं रचना बंसल। बड़ा अपडेट लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। ड्रग्स मामले में शौविक चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ गई हैं। चार दिन की रिमांड पर भेजा गया और ये देखिए इसी गाड़ी में शौविक चक्रवर्ती सैमुअल मिरांडा को लेकर एनसीबी की टीम अब जा रही है। रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी, अथॉरिटी और ज्यादा हो जाएगी, प्रेशर और ज्यादा हो जाएगा। मुंबई की किला कोर्ट ने 9 सितंबर तक रिमांड पर भेजने का फैसला किया है। साथ ही साथ ड्रग पैडलर कैजांग को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। तमाम सबूत, तमाम दलीलें खिलाफ साबित हुई। सतीश मानशिंदे की कोई दलील यहां काम नहीं आई, जो कि रिया चक्रवर्ती शौविक चक्रवर्ती के वकील हैं। ऐसे में ड्रग पैडलर 14 दिन की रिमांड पर कैजांग को भेज दिया गया और शौविक चक्रवर्ती सैमुअल मिरांडा को 4 दिन की रिमांड पर रहना होगा। और हो सकता है कि आगे भी ये रिमांड बढ़ाने पर एनसीबी की टीम की तरफ से फैसला हो, अगर उसे लगे कि सफिशियंट टाइम नहीं मिला है पूछताछ के लिए। आप तस्वीरें देख रहे हैं, मुंबई के किला कोर्ट के ठीक बाहर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर ये देखिए इसी गाड़ी में शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को लेकर जाया जा रहा है। 9 सितंबर तक यानी कि 4 दिन तक न्यायिक हिरासत में रहकर पूछताछ का सामना करना होगा, सवालों के जवाब देने होंगे। और यहीं से अब समझ सकते हैं आप कि रिया चक्रवर्ती की दिल की धड़कन कैसे तेज हो गई होगी। कह सकते हैं कि उल्टी गिनती यहां से भी रिया चक्रवर्ती की शुरू हो गई है। आप पहले सीबीआई की टीम ने करीब 35 घंटे पूछताछ की, उसके बाद शौविक चक्रवर्ती से, रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से सवाल जवाब हुए और अब रिया चक्रवर्ती को एनसीबी की तरफ से नोटिस दिया जाएगा, समन भेजा जाएगा और फिर उसके बाद पूछताछ में शामिल रहना होगा। उर्वशी, क्या तस्वीरें आप हम तक पहुंचाएंगी, अपडेट क्या है निकलकर? एनसीबी की टीम आगे जा रही है शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को लेकर। ये देखिए हम लोग चेस कर रहे हैं सैमुअल मिरांडा की गाड़ी को, चेस कर रहे हैं सैमुअल मिरांडा की गाड़ी को। अब जो है सैमुअल मिरांडा और शौविक चक्रवर्ती दोनों को जो है लेके जाया जा रहा है एनसीबी दफ्तर में, कोर्ट से जो है एनसीबी दफ्तर में ये पूरा काफिला हम चेस कर रहे हैं। हमने देखा कि किस तरह से जो है शौविक चक्रवर्ती एक बहुत ही लो मूड, ऑनसेट मूड में दिखाई दिए, जहाँ पे बेंड करके देख रहे थे। ये देखिए हम लोग जल्द ही आपको बताएंगे कि किस तरह से जो है ये एनसीबी में काफिला आ रहा है। ये देखिए गणेश, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट आपको जो दिखाएंगे, ये देखो ये है शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा की गाड़ी जो आप देख रहे हैं। हमारे वीडियो जर्नलिस्ट गणेश आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि कोर्ट में हमें अंदर अलाउ नहीं किया गया और किसी ने पहली झांकी जो है शौविक चक्रवर्ती की देखी नहीं रिमांड के बाद, जहां पे इनका किस तरह से नाम आया है, कंजम्पशन को लेकर, पोजीशन को लेकर, ट्रांसपोर्टेशन को लेकर, ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम देखते हैं कि किस तरह से हम लोग लगातार आपको ये गाड़ी दिखा रहे हैं जिसमें सैमुअल मिरांडा और शौविक चक्रवर्ती एनसीबी के ऑफिशियल्स इनको लेके जा रहे हैं और जल्द ही अब जो है एनसीबी इनको लेके जाएगी, इनसे पूछताछ होगी। हमने एफआईआर में भी ये देखा था कि रिया चक्रवर्ती के साथ भी इनसे पूछताछ की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट गणेश आपको लगातार ये फोटो, ये विजुअल दिखाना चाह रहे हैं शौविक चक्रवर्ती के, ताकि जो है उनसे ये किया जाए। उर्वशी हम तक लाइव तस्वीरें पहुंचा रही थी और बहुत तेजी से हलचल आगे बढ़ रही है। ये देखिए ये शौविक चक्रवर्ती आपको बिल्डिंग के ग्रिल पे दिखाई देगा और सैमुअल मिरांडा, ये दोनों को जो है लेके जाया जा रहा है एनसीबी के दफ्तर में। हम आपको बता दें, कि किस तरह से सारे जो रिमांड कॉपी में इन लोगों को लेकर कई ऐसे बड़े क्लेम्स किए गए हैं, ये बताया जा रहा है कि मरूना कहो या दूसरे कोई ड्रग्स कहो, इन सब को लेकर पोजेशन, कंजप्शन, इन सारी चीजों के बारे में बात रिमांड कॉपी में दी गई है। इतना ही नहीं, अब जो एफआईआर कॉपी बाहर आई है, जो हमने जस्ट एक्सक्लूसिवली अभी ब्रेक की, उसमें रिया चक्रवर्ती का नाम आ रहा है। रिया चक्रवर्ती ने किस तरह से शौविक चक्रवर्ती को हेल्प किया, किस तरह से ये सारे लोग नो में थे, हम लगातार बता रहे थे हमारे सोर्सेस के द्वारा, एडी के सोर्सेस के द्वारा, कि किस तरह से चीजें जो है बहुत ही ज्यादा फोकस में रही हैं। रिया चक्रवर्ती एक व्हाट्सएप ग्रुप में थी जिधर कुणाल जानी और ऋषभ ठक्कर भी थे और वहां पे जो है ड्रग्स को लेकर बातचीत चल रही थी और उसके इस जिसी का मीनिंग ये है कि किस तरह से, इसीलिए एफआईआर में रिया चक्रवर्ती का नाम है। आज हम देखते हैं उर्वशी, हलचल दिखाइए, और साथ ही बताइए क्या कैजान भी साथ में मौजूद है और क्या इसी बिल्डिंग में अगले 4 दिन रहने वाले हैं शौविक चक्रवर्ती सैमुअल मिरांडा।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कल भी जो है इसी बिल्डिंग में सारे लोग रुके थे। आज जो एक्सचेंज बिल्डिंग है आप देख रहे हैं, हमारे वीडियो जर्नलिस्ट गणेश जो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हमारे दर्शकों को बेस्ट शॉट मिले, वो एक्सचेंज बिल्डिंग ये है और उसके थर्ड फ्लोर पे ही सारे के सारे जो अक्यूज है, फिर वो कैजान अब्राहिम हो, सैमुअल मिरांडा हो या साथ ही में शोविक चक्रवर्ती हो, ये तीनों के तीनों जो है थर्ड फ्लोर पे इन्हें लेके जाया गया है। कल हमने देखे थे कि किस तरह से इन लोगों से कई इंट्रोगेशन हुई थी, बहुत ही लॉन्ग इंट्रोगेशन हुई जिसके बाद अरेस्ट पुकारा गया, आज इन्हें प्रोड्यूस किया गया प्रोडक्शन के रिमांड कॉपी में, अगर हम बता सकते हैं प्रोडक्शन के रिमांड कॉपी में, अगर वीडियो जर्नलिस्ट आपको उर्वशी तस्वीरों में दिख रहा है कि वहां पर पुलिस भी तैनात है, सुरक्षा के इंतजाम भी बहुत ज्यादा है, बिल्डिंग के अंदर कौन कौन पहुंचा है, शौविक चक्रवर्ती, मिरांडा, कैजान तीनों को लेकर एनसीबी की टीम अंदर गई है। जी, सैमुअल मिरांडा और शोविक चक्रवर्ती एक गाड़ी में थे, दूसरे गाड़ी में कैजान इब्राहिम थे। कैजान इब्राहिम को लेकर जब वो कोर्ट से बाहर निकले और उन्हें जुडिशियल कस्टडी पे भेजा गया, तभी लॉयर और पुलिस के बीच में थोड़ी अनबन हुई। वहां पे ये बताया गया कि लॉयर्स ये जो है आर्ग्यू कर रहे थे और अपोज कर रहे थे कि जेसी इस तरह से कैसे मिल सकती है, जिसके बाद धीरे धीरे जो है गाड़ियां निकलना शुरू की। ये जो हैवी डिप्लॉयमेंट आप ये बिल्डिंग के बाहर देख रहे हो, ये आज नहीं है, ये पिछले कुछ दिनों से, पर आज बहुत ज्यादा है। आपने जो डिफरेंस पॉइंट आउट किया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आज जो है सुबह से इतने हैवी डिप्लॉयमेंट में शोविक चक्रवर्ती को निकाला गया, सैमुअल मिरांडा को निकाला गया, क्योंकि बार बार मीडिया इन्हें घेरना चाहती है और कई सवाल पूछना चाहती है, कई ऐसे सवाल है जो ये बताएंगे कि ये पूरा नेक्सस क्या है, ये पूरा ड्रग सिंडिकेट क्या है। कुछ ही देर में यहाँ पे एक ऑफिशियल एक्सपेक्टेड है, सीनियर ऑफिशियल जो आकर बाइट देंगे कि क्या हुआ है आज के दिन में, किस तरह से रिमांड कौन से बेसिस पे दी गई है वगैरह, वो सारी चीजें पूछी जाएगी, इसलिए एक थोड़ा सा इंतजाम भी हम देख रहे हैं। और वही हम ये बता रहे हैं कि जस्ट अभी एनसीबी के कोर्ट से, मजिस्ट्रेट कोर्ट से एनएन जोशी जो कि जज है, हालांकि बहुत इंस्ट्रक्शंस होते हैं, पुलिस वाले खुलकर कुछ बोलते नहीं, लेकिन जो जो पुलिसकर्मी वहां दिख रहे हैं आपको बाहर, उनसे पूछने की आप कोशिश कीजिए आपको क्या इंस्ट्रक्शंस है। बिल्कुल, अगर हम बात करें और सताए सर, यहाँ पे किस तरह से ये हैवी डिप्लॉयमेंट क्यों लगाई गई है सर, यहाँ पे हैवी डिप्लॉयमेंट किस चीज के लिए, यहाँ पे कोई आकर बात करने वाला है किस चीज को लेकर, साहब आने वाले, बड़े साहब आने वाले, यहाँ पे कोई आने वाले हैं बात करने वाले और उसको लेकर जो है, क्योंकि मीडिया की यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है, मीडिया की रश यहाँ पे बहुत ज्यादा है, और यहाँ पे जो ऑफिशियल आके बात करेंगे उसके लिए जो है ये पुलिस डिप्लॉयमेंट यहाँ पे की गई है, ऐसे बताया जा रहा है। हम अगर देखें और बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि क्या रिमांड कॉपी में आया है, रिमांड कॉपी में रिया चक्रवर्ती का नाम जो है आया है, रिमांड हमने एफआईआर में तो देखा था, रिमांड कॉपी में भी रिया चक्रवर्ती का नाम आया है। रिया चक्रवर्ती की रिमांड कॉपी, सॉरी, ये जो रिमांड कॉपी है शोविक चक्रवर्ती की, उसमें रिया का नाम आके ये बताया जाता है कि किस तरह से ये सारे जो लोग हैं, ये सारे जो अरेस्टेड इंडिविजुअल्स हैं, इन्हें रिया चक्रवर्ती के साथ कन्फ्रंट करना बहुत जरूरी है, दीपेश सावंत के साथ कन्फ्रंट करना बहुत जरूरी है। देखिए, सुबह ही केपीएस मल्होत्रा ने ये बताया था कि किस तरह से, और ये देखिए उर्वशी पीछे देखिए बैरिकेडिंग्स लगाई जा रही हैं, उर्वशी पीछे देखिए, मतलब क्या सुरक्षा और ज्यादा बढ़ाई जा रही है, क्या वहां पर सुरक्षा लेयर बनाए जा रहे हैं, क्या मीडिया कर्मियों से दूरी बनाई जाएगी? जी 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 जी, पूरी तरह से हलचल दिखाई दे रही है आपको एक्सचेंज बिल्डिंग के बाहर, पूरी तरह से हलचल दिखाई दे रही है, हैवी डिप्लॉयमेंट पुलिस ऑफिसर्स का देखा जा रहा है। ये देखिए बैरिकेड्स, इतने छोटे एरिया में भी बैरिकेड्स लगाए जा रहा है, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जो प्रोटेक्शन है वो हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारे ऑफिशियल्स जो है वो अभी नीचे आएंगे, वो अभी ब्रीफ करेंगे मीडिया को, तो उसके पहले का ये इंतजाम हमें जो है दिखाई दे रहा है। और साथ ही में ये सारी जो चीजें हैं, आज अभी डिटेल एक ऑफिशियल की ओर से पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या सारी चीजें हैं, क्योंकि एफआईआर में रिया चक्रवर्ती का नाम आता है 6 पॉइंट पे। और उर्वशी, ऐसा ही सीबीआई ने किया, सीबीआई ने पहले एक एक करके इंडिविजुअल तरीके से पूछताछ की, फिर आमने सामने बिठाकर पूछताछ की, उसी तरीके से एनसीबी ने भी किया, पहले एक एक करके पूछताछ हुई, फिर सामने आमने बिठाकर पूछताछ हुई, अब रिया चक्रवर्ती को जब समन भेजा जाएगा, रिया चक्रवर्ती को भी सामने बिठाकर सबसे पूछताछ होगी। बिल्कुल, और ये है ना, बताया जा रहा है
इस पूरे रिमांड कॉपी में कि किस तरह से जो है व्हाट्सएप चैट। उर्वशी लगातार तस्वीरें हम तक पहुंचा रही हैं और ताजा अपडेट भी बता रही हैं। उर्वशी बता रही हैं कि ये जो एक्सचेंज बिल्डिंग है इसके अंदर ही शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को ले जाया गया है। अगले चार दिन हो सकता है कि यही ठिकाना हो शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा का, और इसीलिए आप देख रहे हैं पुलिस प्रोटेक्शन लगातार बिल्डिंग के बाहर मौजूद है। प्रोटेक्शन और ज्यादा बढ़ा दिया गया है, वहां पर सुरक्षाकर्मी पहले से मौजूद है और अभी थोड़ी ही देर बाद एनसीबी की तरफ से हो सकता है कि कोई अधिकारी बाहर आए, बताएं कि मुंबई की किला कोर्ट में क्या हुआ है, बताएं कि अगले दिन चार दिन रिमांड में रखकर कैसे पूछताछ की जाएगी और 14 दिन की रिमांड पर ड्रग पैडलर कैजान को भेजा गया है। एनसीबी की टीम की जांच में अब तक सामने क्या आया, आगे किस एंगल से जांच बढ़ाएगी, हालांकि पूरी बातें डिस्क्लोज नहीं की जाती हैं, बहुत कुछ कॉन्फिडेंशियल तरीके से आगे बढ़ता है, छिपाया जाता है, नहीं बताया जाता ऐसे में, लेकिन एक ऑफिशियल स्टेटमेंट देने की तैयारी एनसीबी की टीम की तरफ से हो रही है, जो अभी तक जानकारी उर्वशी हम तक पहुंचा रही है। और आप देख रहे हैं लगातार मुंबई पुलिस वहां मौजूद है, पहले से सुरक्षा घेरा तैयार है और इसी सुरक्षा घेरे से होते हुए बहुत तेजी के साथ शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को अंदर बिल्डिंग में ले जाया गया। और उर्वशी ने बताया था कि कल भी इसी बिल्डिंग में रखा गया था, अब जब चार दिन की रिमांड है तो बहुत संभव है कि अगले चार दिन शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा का ठिकाना यही बिल्डिंग होने वाली है। और अब आज शाम जब समन रिया चक्रवर्ती तक पहुंच जाएगा तो उर्वशी बार बार जिक्र कर रही है एफआईआर में नाम है, जो रिमांड की कॉपी अब शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को लेकर हुई है उसमें रिया चक्रवर्ती का जिक्र है। मतलब घूम फिर कर जो सुई अटकती है वो रिया चक्रवर्ती पर अटकती है। सबसे ज्यादा मुश्किल जो इस पूरे मामले में बढ़ने वाली है वो रिया चक्रवर्ती की, क्योंकि रिया चक्रवर्ती के खुद के भाई शौविक चक्रवर्ती ने कह दिया है कि मैं जो कुछ कर रहा था रिया चक्रवर्ती के कहने पर कर रहा था, मतलब जो कुछ ड्रग्स खरीदना, भेजना, पहुंचाना, ये सब कुछ रिया चक्रवर्ती के कहने पर हो रहा था। अब ताजा तस्वीरें उर्वशी के जरिए हम लगातार देख रहे हैं। उर्वशी, आप कितनी देर में एनसीबी की तरफ से जानकारी दी जाएगी? उर्वशी आवाज मिल रही है आपको? उर्वशी से हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उर्वशी के जरिए लगातार लाइव तस्वीरें हम तक पहुंच रही हैं। एनसीबी दफ्तर के ठीक बाहर से तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर शौविक चक्रवर्ती को ले जाया गया है, सैमुअल मिरांडा को ले जाया गया है, 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर कैजान को भेजा गया है कोर्ट की तरफ से। और इस रिमांड में एनसीबी की जांच में और ज्यादा तेजी आ जाएगी, अब और तेजी के साथ एनसीबी की टीम काम करेगी, क्योंकि एनसीबी की टीम चाहती थी कि रिमांड मिले और फिर और सख्ती से पूछताछ हो, क्योंकि अब तक की पूछताछ में कई जानकारी एनसीबी की टीम के हाथ लगी हैं और इन्हीं जानकारियों के आधार पर रिया चक्रवर्ती की भी मुश्किल बढ़ गई है। जो एफआईआर की कॉपी है उसमें रिया चक्रवर्ती का नाम भी है, मतलब रिया चक्रवर्ती ने जो कहा था प्रायोजित साक्षात्कार में कि मैंने कभी ड्रग्स नहीं ली, उसको लेकर खुलासा होगा, ट्रांजैक्शंस को लेकर खुलासा लगातार हो रहा है। रिया चक्रवर्ती का एक एक झूठ इंडिया न्यूज आपके सामने बेपर्दा कर रहा है और यहीं से अब शौविक चक्रवर्ती और कुछ हलचल शायद गेट पर है, शायद कुछ हलचल गेट पर है और शायद एनसीबी के कुछ अधिकारी बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, जो तैयारी पहले से थी, मीडिया कर्मी पहले से वहां पर मौजूद है, वहां बैरिकेडिंग्स लगा दी गई, निश्चित दूरी बनाने के लिए कहा जा रहा है। किला कोर्ट में क्या कुछ हुआ, रिमांड मांगी गई, चार दिन की रिमांड मिली है शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा की, लेकिन कैजान की 14 दिन की रिमांड मिली है, अब शायद कुछ कहा जा रहा है। अरे बैठ जाओ भाई इधर, नहीं तो सबका फिर अरे दादा रास्ता में क्या करना है, इसमें पूरी तैयारी है प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अगले मिनट अधिकारी जो नीचे आने वाले हैं, गार्ड है, जो दूसरे नार्कोटिक्स के अधिकारी हैं वो नीचे आ गए हैं और अब पूरी तैयारी है और जो पुलिसकर्मी है व्यवस्था बना रहे हैं कि जल्द से जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो सके। और किस तरह के देखिए अब नार्कोटिक्स के अधिकारियों को बाहर आकर और रास्ता बनाने के लिए कहते हुए देखेंगे और अगले किसी भी मिनट में यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने की बात है। लगातार नीचे अधिकारी आ गए हैं पर जो दूसरे जूनियर अधिकारी हैं वो आए हैं और
उसके बाद अब फिर से जो पुलिस कर्मी है व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द। एनसीबी दफ्तर के बाहर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि जो बिल्डिंग का गेट है यहाँ तक एनसीबी के अधिकारी पहुंच गए हैं। और जिस बात का जिक्र उर्वशी खोना कर रही थी कि अब से थोड़ी ही देर बाद ऑफिसर्स नीचे पहुंचेंगे और उनकी तरफ से कोई एक ब्रीफ करने के लिए आएगा, और ये देखिए ये मूवमेंट कुछ तेज हो गई है। बहुत संभव है ये एनसीबी के अधिकारी हैं जो कि मीडिया के सामने ब्रीफ करने के लिए पहुंचे हैं। आज कोर्ट में क्या हुआ, जांच किस तरीके से आगे बढ़ाई जाएगी, रिया चक्रवर्ती के समन को लेकर हो सकता है कि जानकारी दें, लेकिन अभी जो फिलहाल हलचल है, जो भीड़ है, उसे थोड़ा सा काबू करने की कोशिश मुंबई पुलिस की तरफ से हो रही है, जो व्यवस्थाएं बनाने की कोशिश हो रही है ताकि उतना स्पेस मिल सके कि जो एनसीबी के अधिकारी हैं वो सामने आकर अपनी बात रख सके बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के। वही व्यवस्था अभी फिलहाल इन तस्वीरों में बनाते हुए आपको यहां पर मुंबई पुलिस दिखाई दे रही है। एनसीबी का स्टाफ यहां पर खड़ा हुआ है, एनसीबी के अधिकारियों की तरफ से ब्रीफ किया जाएगा और जिसका इंतजार हम सभी कर रहे थे कि एनसीबी के अधिकारी आए, जानकारी दें रिया चक्रवर्ती को लेकर, शौविक चक्रवर्ती को लेकर, सैमुअल मिरांडा को लेकर, और कौन कौन से बड़े नाम इस ड्रग कनेक्शन में सामने आ रहे हैं, क्या कुछ जानकारी एनसीबी की टीम की तरफ से दी जाती है, इस पर लगातार हम निगाहें बनाए हुए हैं। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में शायद इन्हीं बातों का जिक्र हो रहा है कि किस तरीके से क्या बात रखनी है मीडिया के सामने, बहुत सोच समझकर फूंक फूंक कर कदम सीबीआई की टीम भी रख रही है, एनसीबी की टीम भी रख रही है। और यहां पहले से उर्वशी हमारे साथ जुड़ गई है, क्या उर्वशी आवाज आपको मिल रही है? उर्वशी आपको आवाज मिल रही है? तो मेरे को ऑनल बाइट सुनाएंगे उनको, हम लोग लाइव चाहिए। सर गणेश, उर्वशी आपको आवाज मिल रही है मेरी? उर्वशी अभी फिलहाल क्या हो रहा है, क्या ये एनसीबी के अधिकारी हैं जो कि बिल्डिंग के गेट पर दिखाई दे रहे हैं? उर्वशी जी जी, ये समीर वानखेड़े हैं, ये समीर वानखेड़े हैं हाँ। जो जोनल डायरेक्टर आपको हमारे फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं हाँ। ये अभी फिलहाल जो है बात नहीं करेंगे, यहाँ पे सीनियर ऑफिशियल्स बात करेंगे और साथ ही में ये सारे लोग डिटेल्स देंगे कि एग्जैक्टली जो अरेस्ट हुई है उसमें क्या डिटेल्स है, सीजर हाँ। क्या हुआ है, किस तरह से चीजें हुई है। और अभी फिलहाल ये जो है मीडिया की गर्दी आपको आजू बाजू दिखाई दे रही है क्योंकि जल्द ही यहाँ पे एक सीनियर ऑफिशियल एनसीबी के जो है हाँ। वो ब्रीफ करेंगे, वो जो है मीडिया को बताएंगे कि किस तरह से क्या अरेस्ट होगी। मेरे साथ मेरी सीनियर सहयोगी प्रीति सोमपुरा भी आई है, इनसे बात करते हैं और जानते हैं। मैम ये बताएं कि अभी कुछ ही देर में एक सीनियर ऑफिशियल अभी बात करेंगे, बहुत सारे डिटेल्स एक्सपेक्टेड है, कई ऐसे क्वेश्चंस है जो अनआंसर्ड रहे। जी अभी जो है कुछ ही देर में मुता अशोक जैन जो है वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल है वो यहाँ पर आएंगे और मीडिया से बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे सवाल ये है कि शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा की जो लगातार पूछताछ हो रही थी उसमें उन्होंने क्या क्या अहम खुलासे किए हैं, इसी को लेकर जो है वो यहाँ से मीडिया से बात करेंगे। वही अगर हम बात करें और जाने हमें प्रीति सुमपुरा, इन्होंने बताया कि किस तरह से कई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अनआंसर्ड रहे हैं उसको लेकर जो है बातचीत होगी। वहां पे कुछ ही देर में जो है एक ऑफिशियल आएंगे और वो जो है यहाँ पे बातचीत करेंगे और ऑफिशियल जो है ब्रीफ करेंगे। फिलहाल ये जो आप देख रहे हैं ये एक हम कह सकते हैं कि एक पूरा माहौल जो है वो इस चीज को लेकर है कि जल्द ही एक सीनियर ऑफिशियल जो है यहाँ पे बातचीत करेंगे। और उसमें अगर हम बात करें डिटेल्स की तो कई ऐसे ड्रग्स को लेकर जो है डिटेल्स किए जाएंगे, ड्रग्स सिंडिकेट क्या था, किस तरह से था, क्या प्रॉपर एक्सपोजर हुआ, किन किन लोगों के नाम है, क्या सारी चीजों के ऊपर जो है एक्सपोज हुआ है, वो सारे डिटेल्स पता चलेंगे। रिमांड कॉपी में बहुत क्लियरली बताया गया है कि ये सारे लोग जो है बॉलीवुड में जिस ड्रग कनेक्शन की बात लगातार कंगना रनौत और कुछ सेलिब्रिटी खुलकर बोल रहे हैं उसको लेकर भी एनसीबी हो सकता है जानकारी दे। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे साथ हमारी बॉलीवुड कवर करने वाली बीट की शिवानी मिश्रा जुड़ी है, इनसे भी बात करेंगे। कंगना रनौत ने हमने हमेशा बेक ऑफ बात की है, उसने कई ऐसे लोगों को एक्सपोज किया है, क्या एनसीपी में भी ये पहलू जो है उसे इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, उसको लेकर पूछताछ की जाएगी?
बिल्कुल, अगर बात की जाए तो ऐसे कंगना रनौत ने हमेशा ही खुलकर काफी बेबाकी से बातें की हैं, लेकिन इस बार जिस तरह से उन्होंने सामने आके कहा कि अगर उन्हें सिक्योरिटी दी जाए तो वो कई सारे लोगों का नाम खुलासा कर सकती हैं। अगर आप नोटिस करें तो ट्विटर पर भी उन्होंने रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, ऐसे विकी कौशल जैसे कई लोगों का नाम लेते हुए ये कहा कि वो चाहती हैं कि ये लोग टेस्ट करें और नेगेटिव आए, जिससे कि लोगों को इंस्पिरेशन मिले और जो रूमर्स हैं ड्रग्स को लेकर वो पूरी तरह से खारिज हो सके। तो कहीं ना कहीं कंगना रनौत अभी भी बॉलीवुड के लोगों को चैलेंज कर रही है और एनसीबी में भी वो खुलकर जरूर सामने आएंगी। वो जो सीनियर ऑफिसर है वो अभी जल्द ही ये बस के पीछे इनकी गाड़ी दिखाई दे रही है, इसलिए जो है भीड़ ना हो इसलिए जो है यहाँ पे वो पहुंच गए हैं। प्रीति सोमपुरा भी कोशिश कर रही है, हम भी उन ऑफिसर से बात करने की कोशिश कर रही है। सर एफआईआर में रिया चक्रवर्ती सस्पेक्ट है, सर रिया चक्रवर्ती का नाम आ रहा है एफआईआर में सर। तो हमने कोशिश की, अभी कुछ ही देर में हम हमारे दूसरे फ्रेम से जो है उनकी बाइट भी सुनेंगे कि आखिरकार वो क्या बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली वो क्या बता रहे हैं। ये डिटेल्स ऑफिशियल लेवल पे आना बहुत जरूरी है, अब तक के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हमने बताए हैं, हमने बोला है और सोर्सेस के द्वारा चीजें लगातार आपके जरिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने चैनल के जरिए दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आप उर्वशी, ये जो अभी पहुंचे हैं ये कौन है अगर आप बता पाए, और देखिए शायद वो बयान देना शुरू कर चुके हैं। ये